फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट अलाहाबाद। मंडी परिषद 30 मई को आपका एग्जाम है और प्रत्येक स्थिति में आपका सिलेक्शन कराना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल चंद्र इंस्टीट्यूट के संभावित प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको देने जा रहे हैं। स्पेशल प्रश्न आपको देने जा रहे हैं, आप इन प्रश्नों को किसी भी कीमत में मिस नहीं कर सकते, अदरवाइज बाद में पश्चाताप मत करिएगा। हाँ, बहुत से लोग बाद में पश्चाताप करते हैं कि मैंने क्यों नहीं देखा, उसने मेरे मित्र ने देख लिया वीडियो और उसको सफल हो गया, निकल गया। तो बाद में पश्चाताप नहीं करिएगा, पूरे वीडियोस को ये श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नों को जरा देखिए एक बार, पहले प्रसन्नता शब्द है, विकल्प दिए गए हैं, आप आंसर देंगे। हर प्रकार से उसे सरकार के हाथ मजबूत करने चाहिए, इस वाक्य में सर्वनाम है, आप देखिए। ऑप्शन देने का विकल्प दिया गया है, आप आंसर देंगे। तद्धित में संधि है, आंसर दीजिए। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, चार विकल्प दिए गए हैं, आंसर दीजिए। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, आंसर दीजिए। आईपीएल 2019 में उपविजेता टीम को दिया गया, चार विकल्प दिए गए हैं, आप आंसर दीजिए। सबसे पहले आप कोशिश करिए, आंसर देने का प्रयास करिए। मैं इनकी व्याख्या करने जा रहा हूं, ये संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से, महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिए, प्रत्येक दिन सायं 7 बजे से 8:30 बजे तक मंडी परिषद की स्पेशल क्लास हम आपको देने जा रहे हैं, संभावित प्रश्नों की श्रृंखला देने जा रहे हैं, क्योंकि आपका अपने भाई बहनों का सिलेक्शन जो कराना है। ओके, तो बिल्कुल आप सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, बिल्कुल लाइक कर दीजिए। कमेंट, आप हमारी क्लास कैसी लगी अभी आप देखेंगे, उसके बाद आप बल्कि कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं। आपने ईमानदारी से पूरा वीडियो देखा तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। सायं 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, ओके गाइस, हम आपके साथ रहेंगे, 30 मई तक आपकी हेल्प करेंगे। ओके गाइस, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रसन्नता शब्द है, चार विकल्प दिए गए हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण। तो देखिए, प्रसन्नता इसके अंत में ता आ जाए तो आ जाए, जैसे मानवता है ना, प्रसन्नता। इसी तरह से पाया आ जाए जैसे बुढ़ापा है ना, आई करके आ जाए जैसे अच्छाई बुराई है ना, ये जो लास्ट में आई करके आ जाए। तो याद रखिए, ये ट्रिक आप इस तरह से बना सकते हैं है ना, मानवता हो गया, प्रसन्नता हो गया, ये कौन से हैं बताइए, संज्ञा होते हैं, संज्ञा में कौन से होते हैं, भाववाचक संज्ञा। बंधुत्व हो गया है ना, मातृत्व हो गया, ये क्या होते हैं भैया, भाववाचक संज्ञा होते हैं। ओके, बुढ़ापा है ना, इस तरह से पढ़ाई, इसी तरह से जैसे आ जाए आपका, मान लीजिए अच्छाई बुराई है ना, ईमानदारी है ना, बेईमानी, तो ये सब आपके क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं, संज्ञा में भाववाचक संज्ञा। और सुनिए, हमारे हृदय से निकलने वाला समस्त भाव, ध्यान से सुनिएगा, हमारे हृदय में क्या है भाई, प्रेम है, हमारे हृदय में क्या है, स्नेह है। ये सब देखिए संज्ञा है, ध्यान दीजिएगा, ये सब संज्ञा है, स्नेह है, ध्यान दीजिएगा, हमारे हृदय में क्या है, हमारे हृदय में ईमानदारी है, सच्चाई है, द्वेष है किसी के प्रति, क्या है, द्वेष है। हमारे हृदय में, हमारे अंदर सन्निहित है क्या, आतंकवाद, हमारे हृदय में सन्निहित है, ये आपका ये संज्ञा ही है, संज्ञा में भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा, हमारे हृदय में ही है, अंतर्निहित है क्या, आस्तिकता नास्तिकता। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे बताइए, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। क्रमशः हम आपको अब एक टॉपिक पे इतना अधिक बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन लगातार आपको प्रैक्टिस अभ्यास दिया जाएगा, टीचर्स हमारे और भी टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे और हर तरह से आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए हर संभव कोशिश, हर संभव प्रयास, जितना हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान रखिए, प्रश्न आप परीक्षाओं में मिलाइएगा, देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये समझ में आ गया, यहाँ पे ता तो पा आई, प्रेम स्नेह द्वेष आतंकवाद, ये सब आपके संज्ञा है, और संज्ञा में भी कौन संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो प्रसन्नता शब्द है संज्ञा, हर प्रकार से उसे सरकार के हाथ मजबूत करने चाहिए, इस वाक्य में सर्वनाम है,
तो इस वाक्य में सर्वनाम क्या होगा भाई? सरकार तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सरकार संज्ञा है, राइट? हाँ, उसे चाहिए हाथ। हाथ जो है ये भी संज्ञा है, तो यहां पे ये दो संज्ञा हो गए, चाहिए है ना, चाहिए जो है ये। अब देखिए सर्वनाम क्या होता है, पहली बात तो ये जानिए सर्वनाम क्या होता है। जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाए वही क्या है? सर्वनाम है। जैसे मोहन के लिए वह का प्रयोग कर लिया, मोहन के लिए किसका प्रयोग कर लिया? वह का। सोहन के लिए वह का, है ना, मोहन सोहन दोनों के लिए किसका प्रयोग कर लिया? वे का प्रयोग कर लिया, उसे का प्रयोग कर लिया, है ना, मोहन सोहन दोनों के लिए क्या प्रयोग कर लिया? उसे का प्रयोग कर लिया। तो कहने का मतलब ये जो उसे ये वर्ड है, वे जो वर्ड है, वह जो वर्ड है, ये किसी संज्ञा के लिए, किसी संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाए वही सर्वनाम होता है, वही सर्वनाम होता है। तो यहां पे डी। चलिए तद्धित में संधि है, तद्धित में संधि है, तो याद रखिए यहां पे व्यंजन संधि है। देखिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये आ जाए जैसे उद्धत, अगर पूछ ले उद्धत में संधि है, ये अगर बीच में आ जाए समझ लीजिए कौन संधि है, व्यंजन संधि है। डबल च आ जाए, ट्रिक आप ले लीजिए, उच्चारण सच्चिदानंद है ना, ये आपके एकदम बिंदास आप बता सकते हैं कौन संधि है, व्यंजन। इसी तरह से डबल ट आ जाए, डबल ट जैसे तट्टिका बृहत टीका, डबल ल आ जाए, ट्रिक ले लीजिए आप, सब व्यंजन संधि है। तल्लीन उल्लास है ना, सब व्यंजन संधि है। डबल न आ जाए है ना, उन्नयन उन्नयन, ये कौन सी संधि है? व्यंजन। इसी तरह से जगह कहा जाए जगन्नाथ, पूछ लिया जाए जगन्नाथ कौन संधि है, व्यंजन संधि, एकदम ट्रिक आप बैठा लीजिए। इसी तरह से अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए डबल ज है ना, जैसे उज्ज्वल प्रज्वलित, ये कौन संधि है? व्यंजन संधि है, बिंदास आप बता सकते हैं व्यंजन संधि है, एकदम बिंदास आप बता सकते हैं कौन संधि है। आधा च छ आ जाए बीच में, आच्छादन परिच्छेद, कौन संधि है? व्यंजन संधि है, बिंदास। स के ऊपर इस तरह से बिंदी लगा हो, संताप संगम संसार, कौन संधि है? व्यंजन संधि, बिंदास आप तुरंत बताइए। तो बेटा यहाँ पे देखिए द इस तरह से अगर इस तरह से दिया गया हो, तद्धित हो गया, उद्धत हो गया, ये सब आपके कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर चार देखिए, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। देखिए किसी की भी कोशिका भित्ति जो बनती है, जो भी एनिमल हो गए या प्लांट्स हो गए, जिनके भी कोशिका भित्ति बनती है वो किसकी बनती है? सेल्यूलोज की बनती है। लेकिन कवक जो होता है, एकमात्र केवल कवक होता है जिसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटीन की बनी होती है। ठीक है, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन वाले प्रश्न होते हैं वो आपके परीक्षाओं का हिस्सा होते हैं। लोग कहते हैं चंद्रा इंस्टीट्यूट कैसे प्रश्न फंसा देता है, कैसे आ जाता है। हम लोग मंथन करते हैं, वर्क करते हैं, परिश्रम करते हैं, और तब जाके इस तरह के कुछ जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं वहां से प्रश्न आपके परीक्षाओं में आ जाते हैं। बिल्कुल, तो वो विशेष तौर पर उनका महत्व होता है। तो याद रखिए कवक, कवक आप समझिए, जिसे आप बोलते हैं, आपने गांव देश की जो भाषा में आपने देखा होगा ना, कुकुरमुत्ता जिसको आप बोलते हैं, मशरूम जिसको आप बोलते हैं, है ना, आप उसको देखते हैं दुकानों में लगा रहता है गांव देश में, उसको कुकुरमुत्ता बोला जाता है। तो वो जो कवक होता है उसके जो कोशिका भित्ति बनी होती है, एकमात्र ये अपवाद है, ठीक है, किसकी? काइटीन की। बाकी एनिमल हो गए और प्लांट्स हो गए सबके जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। याद रखिए जो आपका कवक होता है इसमें ये मतलब प्रोटीन बहुतायत में पाया जाता है, इसमें प्रोटीन बहुतायत में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो काइटीन में सर्वाधिक होता है क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रश्न ऐसे भी घुमा फिरा के दे दें तो आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काइटीन में बहुतायत क्या पाया जाता है बताइए, सर्वाधिक क्या होता है इसमें? तो प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। ऐसे घुमा फिरा के प्रश्न आपको दे दे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास आप बताइए। ओके, देखिए पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस, कोई नहीं। तो देखिए यार, पानी का उबलना तो आप लोग जानते होंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, राइट, जमीन पे जो है 100 डिग्री सेल्सियस, ये सब जानता है, कोई भी छोटा बच्चा बता देगा। लेकिन पहाड़ों पर जब आप पहाड़ों पर जाएंगे तो याद रखिएगा वहां पानी जो उबलने लगता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम, क्योंकि वहां पे जो वायुदाब होता है वो क्या हो जाता है?
कम हो जाता है। तो बस इतना दिमाग में रखिएगा कि जहां भी वायु दाब कम हो जाएगा, पानी जो उबलेगा वो 100 डिग्री से कम में ही पानी उबलने लगेगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। धीरे धीरे और भी कॉन्सेप्ट हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनके माध्यम से हम आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, और भी आपकी हेल्प करेंगे। यार आप सबकी हेल्प करना ही तो सपना है हमारा। ओके गाइस, तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर आप बताइएगा। देखिए कमेंट जरूर करना मेरे भाई, बिना कमेंट के मत रहिएगा। और आगे चल के अभी मतलब आपका लगातार अब लाइव चलेगा, ठीक है। देखिए 7 बजे से 8:30 बजे तक 30 मई तक लगातार हम आपकी हेल्प करने जा रहे हैं, और अच्छी श्रृंखला अच्छे प्रश्नों के माध्यम से हम आपकी हेल्प करेंगे। और प्रत्येक, ये केवल मेरा ही वीडियो नहीं, प्रत्येक टीचर जो आएंगे आपकी हेल्प करेंगे, याद रखिएगा सबका वीडियो आपको शेयर करना है मेरे कहने पर, क्योंकि ये इस पर निर्भर करता है कि कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये हेल्प, इस तरह की हेल्प मैं आपकी करूं, मैं अपने टीचर को और ऊर्जावान करूं, तो आपको और भी ऊर्जावान करना पड़ेगा। वीडियो शेयर करना नहीं भूलेंगे आप, बिल्कुल सभी टीचर्स का वीडियो शेयर करना नहीं भूलेंगे आप, कमेंट करना नहीं भूलेंगे आप, लाइक करना नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि आपके लिए ये कोशिश, आपके लिए है ये कोशिश, अपने भाई बहनों के लिए है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं मीटिंग ले रहा हूं कि मंडी परिषद में कैसे सफलता दिलाई जाए, टीचरों के साथ मीटिंग ले रहा हूं, मैं सबके साथ बातचीत कर रहा हूं, और लगातार 7 बजे से 8:30 बजे तक लगातार आपकी प्रैक्टिस हम कराएंगे अपने टीचर्स के साथ मिलके। मैं भी रहूंगा और भी टीचर हमारे साथ में मिलके सब प्रैक्टिस कराएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे। ओके गाइस, तो याद रखिए सभी के वीडियो आपको शेयर करना है। मैं 2-3 बार मैंने बोल दिया, क्योंकि आपका सिलेक्शन कराना ही मेरा जिद है, ये किसी भी कीमत पर होना चाहिए। तो आईपीएल 2019 में उपविजेता टीम को दिया गया, कितना दिया गया भैया? देखो यार, विजेता टीम तो सब माइंड में रखते हैं, थोड़ा सा हट के पॉइंट जो बनते हैं वो प्रश्न आपके परीक्षाओं में आ जाते हैं, आप जानते हैं। तो उपविजेता टीम को कितना दिया गया भैया? 12.5 करोड़, ठीक है, याद रखिएगा 12.5 करोड़ रुपए, यहाँ पे 5.5 करोड़ रुपए दिए गए। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 20 करोड़ किसको दिया गया? प्रथम विजेता टीम को, जो विजेता टीम थी उसको कितना दिया गया? 20 करोड़। तो याद रखिएगा, अब इसके संबंध, देखिए आईपीएल से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट ही, हम तो सोच रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट आईपीएल संबंधी पूरा कॉन्सेप्ट ही ला दें, क्योंकि वहां से 1-2 क्वेश्चन अति संभावित है, तो ये पूरा वीडियो ही हम लाने जा रहे हैं। ओके गाइस, तो कमेंट जरूर करिएगा कि मेरा प्रयास कैसा लगा, और इसके बाद लगातार आपको ये टाइमिंग जो मैंने आपको बताया 3 बार 4 बार 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक लगातार आपको क्लास मिलने जा रही है मंडी परिषद स्पेशल 30 मई तक। ओके, तो बने रहिए और देखते रहिए, कंटिन्यू। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, वेलकम टू चंद्रा टीचर्स चॉइस चैनल। क्योंकि टीचर भी इस चैनल को देखते हैं, तो आप चैनल पे आ गए हैं तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा।